इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का काम क्या है, अब कितनी मात्रा लें उसको कि शरीर को फायदा पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि कांसेप्ट ये है कि किसी भी सब्सटेंस मटेरियल की अधिकता बीमारियां उत्पन्न करती है तो कमी भी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो विटामिन सी के बारे में आज हम लोग पूरी बात समझ लेते हैं कि विटामिन सी करता क्या है शरीर में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी को केमिकली क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक एसिड। जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ खट्टे होते हैं जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, जैसे सिरका है ना, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, खट्टा तो भी है ना। तो उसी तरीके से जो खट्टे फल होते हैं तो उसमें अधिकतर में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, मुसब्बी, इन सब चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। तो आज की पूरी वीडियो हम लोग यही देख लेते हैं कि करता क्या है शरीर के लिए। तो विटामिन सी कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 65 से 90 मिलीग्राम पर डे। यानी एक आदमी को डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 65 से 90 मिलीग्राम पर डे। यानी नींबू जो है, छोटा सा नॉर्मल नींबू है, उसका 1/4 अगर आप पोर्शन ले लें तो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सबसे खास बात कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होता, उसको रेगुलर लेना पड़ता है, रेगुलर रिक्वायरमेंट है ना। तो डेली आप लेना है विटामिन सी की ना। तो देखिए, खास बात कि जो विटामिन सी है पानी में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से शरीर में इकट्ठा नहीं होगा, यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पर लेने की जरूरत है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपने एक दिन नहीं लिया तो कोई बीमारी नहीं हो जाएगी, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर लेते रहने से बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी और पूरे नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से चलेंगे ना। तो देखिए, वाटर सॉल्युबल है इसलिए बॉडी में स्टोर नहीं होगा। विटामिन बी भी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सब बॉडी में स्टोर हो जाते हैं क्योंकि फैट सॉल्युबल है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फैट इकट्ठा रहता है ना उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए, करता क्या है विटामिन सी, सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, यानी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से चलती रहे उसके लिए जरूरी है कि विटामिन सी की रेगुलर मात्रा ली जाए ना। तो सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, हेल्प फॉर एब्जॉर्बिंग आयरन इन आवर बॉडी। बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो देखिए, ये जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन में ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहां पे विटामिन सी काम करता है, विटामिन सी काम करता है और यहां से आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिनको बार बार एनीमिया हो जाती है, तो आयरन की कमी से नॉर्मली एनीमिया होती है, तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, इसलिए एनीमिक कंडीशन आ जाती है। तो जिनको एनीमिया है वो लोग विटामिन सी का अगर यूज करें तो विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करेगा और आयरन के एब्जॉर्ब करके नॉर्मल लेवल तक पहुंचा देगा। तो एनीमिया की जो कंडीशन ठीक नहीं हो रही है तो इस तरह से ठीक हो जाएगी। तो देखिए, हेल्प फॉर एब्जॉर्बिंग आयरन इन आवर बॉडी। बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सबसे काम की बात, मेंटेनेंस ऑफ वुंड हीलिंग एंड प्रिवेंट स्कर्वी। वुंड हीलिंग, किसी को भी कहीं चोट लग जाती है ना, चोट लग जाती है तो उस केस में विटामिन सी एकदम जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि पूरा नॉर्मल स्किन है और यहां पे इस तरह से चोट लग गया, इस तरह से डीप वुंड हीलिंग के लिए सपोर्ट करेगा। कैसे, अब ये क्या करता है ना, ये जो विटामिन सी है जो कोलेजन फाइबर बनाता है, और खास बात क्या है कि अगर आप विटामिन सी का यूज करेंगे ना तो हीलिंग नीचे से होगी, नीचे से हीलिंग होगी तो ऊपर से आके ठीक हो जाएगा।
कभी कभार दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से चोट लगी है, यहाँ पे ऊपर हीलिंग हो जाती है ना, जब ऊपर हीलिंग हो जाएगी और नीचे वाला टिश्यू रिपेयर नहीं होगा ठीक से, तो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग दर्द देता रहेगा, वहां की इंजरी हमेशा दर्द करती रहेगी। तो हीलिंग का यही प्रोसेस है कि हीलिंग अगर यहां से स्टार्ट होगी ना, हीलिंग अगर नीचे पोर्शन से स्टार्ट होगी तो ऊपर आते आते एकदम ठीक हो जाएगा और बाद में आपको दर्द नहीं करेगा। दिक्कत क्या है कि अगर उंड हीलिंग ऊपर हो गई, नीचे वाला टिश्यू वैसे ही रहा, इसको ठीक से रिपेयर नहीं किया गया, तो नीचे वाला टिश्यू अगर वैसे ही रहा तो एक कुछ दिनों में भर तो जाएगा पूरा, लेकिन जो खराब टिश्यू है जिसको निकल जाना चाहिए था वो यहीं पे बना रहेगा और वो कंटिन्यूअस दर्द करता रहेगा। तो विटामिन सी इन सब चीजों से बचाता है। विटामिन सी यहां से हीलिंग को सपोर्ट करता है, फाइबर यहां से बनना शुरू होंगे, कोलेजन फाइबर यहां से बनना शुरू होगा और ठीक से ऊपर आते आते धीमे धीमे ऊपर आके सही हो जाएगा। तो ये है विटामिन सी का काम। स्कर्वी में क्या है, स्कर्वी में जो मसूड़े होते हैं ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़े में जो कोलेजन फाइबर है ना, जो टीथ है ना, ये जैसे टीथ है मान लीजिए, टीथ के चारों तरफ कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं इस तरह से, तो ये जो कोलेजन फाइबर है ना दांत को मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोलेजन फाइबर ढीले हो गए ना तो जो मसूड़े हैं उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी जैसे आप ब्रश करेंगे मुंह धुलेंगे इस तरह से, तो ऑकेजनली कभी कभार ब्लीडिंग होने लगती है, ब्रश करते ही या उंगली से दांत साफ करते ही अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो सिम्टम्स है कि स्कर्वी हो चुकी है ना। तो स्कर्वी को भी प्रिवेंट करता है और चोट लग गई है तो उसको भी भरता है, ठीक तरीके से भरता है विटामिन सी। मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड हीलिंग उंड हीलिंग एंड प्रिवेंट स्कर्वी, इसलिए विटामिन सी की थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको रेगुलर इंटरवल पे लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा लेने से कोई यूज नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है च्यवनप्राश का एक चम्मच आधा चम्मच यूज करिए, क्योंकि च्यवनप्राश में अधिकतर पोर्शन क्या है, 98% पोर्शन क्या है, उसमें आंवला है, आंवले में विटामिन सी है, तो विटामिन सी है आंवले में, तो वो आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेंगे तब बॉडी क्या करता रहेगा, ये सब प्रोसेस जो ग्रोथ रिपेयर डेवलपमेंट चलता रहेगा उसको ठीक से करता रहेगा। अगर आप 2-5 चम्मच ले लेते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं, बॉडी को जितना विटामिन सी एब्जॉर्ब करना है उतना एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद रिमेनिंग विटामिन सी पास हो जाता है, यूरिन के साथ पास हो जाएगा। तो ज्यादा मात्रा लेने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा मात्रा ले लीजिए, नींबू का 1/4 पोर्शन, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि नींबू के 1/4 पोर्शन में कितना रस निकलता है, उसी के बराबर अगर आप लेते रहेंगे तो पूरी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ठीक से होती रहेगी। अगर आपने ज्यादा लिया विटामिन सी तो नुकसान भी करेगा। तो विटामिन सी की अधिक मात्रा कौन कौन से डिजीज उत्पन्न करती है, देखिए डायरिया उत्पन्न करती है, नाजिया, वोमिटिंग, हर्ट बर्न, हर्ट के पास में यहां जलन होने लगती है, एब्डोमिनल क्रैम्प, इंसोमनिया तक जनरेट कर सकती है विटामिन सी। तो विटामिन सी की अधिक मात्रा भी नुकसानदेह है, कम मात्रा भी नुकसानदेह है, तो आपको क्या करना है, डेली रिक्वायरमेंट है ना 65 से 90 मिलीग्राम पर डे, इसी के आसपास लेना है, आपको वजन नहीं करना है, इसी के आसपास आप लेते रहेंगे तो, और जो एक्सेस मात्रा है तो पास हो ही जा रही है, लेकिन बॉडी अगर एबनॉर्मली काम करेगी ना तो विटामिन सी स्टोर करने लगेगी दूसरे फार्म में, तो किसी दूसरे फार्म में ना स्टोर करें, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी मात्रा उसके लिए। तो इस तरह से विटामिन सी का भरपूर फायदा आप उठा सकते हैं इन सब चीजों को जान करके। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले कि रियल में क्या है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा।